सो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो ये होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है. इसमें क्या है कि अर्थ की सरफेस से के किसी पॉइंट से हम एक प्रोजेक्टाइल, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं. इनिशियल स्पीड उसको कितनी दी है? यू. और हॉरिजेंटल के साथ वो कितना एंगल है? थीटा. ठीक है, और ये आगे मूव करेगा, ये तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा. ठीक है, यहाँ से आपने फेंका है, यहाँ से आपने थ्रो किया इसको यू की स्पीड से एट एन एंगल थीटा, तो ये पहले ऊपर जाएगा एक सर्टेन हाइट तक और फिर ये वापस नीचे आके गिर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह के मोशन को, ये जो मोशन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है. ठीक है, जैसे आपने इसको इनिशियल स्पीड दे के रिलीज कर दिया, अब जो कुछ भी जो इसके मोशन को गवर्न करेगा वो सिर्फ क्या होगी? ग्रेविटी. ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, वो इस मोशन को गवर्न करेगा. तो पहले ये सर्टेन हाइट तक ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा आके. ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. क्या क्या चीज़ें इसमें फाइंड करेंगे? तो एक तो हम ये फाइंड करेंगे इसमें इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी. ठीक है, ये जो ग्राउंड से ये मैक्सिमम कितने ऊपर तक गया, ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फाइंड करेंगे. और इसकी रेंज फाइंड करेंगे कि इसने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया. ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है. ठीक है, तो इसका इसमें एक हॉरिजेंटल मोशन भी होगा, एक वर्टिकल मोशन भी होगा. ठीक है, तो इसमें हम वर्टिकल मोशन अलग कंसिडर करेंगे, इसका हॉरिजेंटल मोशन अलग कंसिडर करेंगे और फिर दोनों को ओवरलैप करके नेट मोशन फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसमें अगर वर्टिकली आप देखो तो ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करी ये फाइंड करना है एक तो आपको, दूसरा आपको ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा इसको बोलेंगे हम रेंज, ये फाइंड करना है. और टाइम फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरने में जो टाइम होगा वो टाइम फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो एक चीज़ समझो जरा, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं. एक इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ये वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हॉरिजेंटल मोशन भी देखेंगे और वर्टिकल मोशन भी देखेंगे. ठीक है, तो वर्टिकल मोशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो आप समझो. वर्टिकल मोशन हम कुछ ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगाएंगे. ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करना है वो आप देखो. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक स्क्रीन, और यहाँ से हम क्या भेजेंगे, लाइट रेज. ढंग से समझते जाना आपको, यहाँ से हम क्या भेजेंगे, लाइट रेज. ठीक है, तो देखते जाओ आप इसमें होगा क्या, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा इसकी शेडो भी यहीं होगी. ठीक है, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी शेडो यहाँ आएगी, जब भी पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसकी शेडो यहाँ आएगी, जब भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी जो शेडो होगी वो भी क्या होगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी. ठीक है, उसके बाद जब भी पार्टिकल जैसे नीचे उतरना शुरू करेगा इसकी शेडो भी कहाँ मूव करना शुरू कर देगी, नीचे की तरफ. ठीक है, ये पार्टिकल नीचे और नीचे आता जाएगा और इसकी शेडो भी नीचे मूव करती जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन, सिर्फ वर्टिकल पार्ट देखना है तो क्या करो, यहाँ पे लगाओ एक स्क्रीन और इधर से भेजो आप लाइट रेज. ठीक है, तो जैसे ये लाइट रेज आएंगी तो इस जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इसकी जो शेडो होगी इस स्क्रीन पे, ठीक है, उसका जो मोशन होगा उसी को हम बोलेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा शेडो भी ऊपर जा रही होगी, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा शेडो भी अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, फिर पार्टिकल नीचे गिरेगा तो शेडो भी नीचे गिरना शुरू कर देगी. ठीक है, और जब पार्टिकल बिल्कुल आखिरी अपने आखिरी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो शेडो भी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो मोशन हुआ इसको हम बोलेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. वो हुआ कैसे एग्जैक्टली, वो यहाँ से शेडो गई होगी ऊपर और ऐसे ऊपर जाके और फिर ये वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है. ठीक है, ये जो मोशन था ये क्या था आपका, वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्लियर? ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन देखने के लिए क्या करेंगे हम, हॉरिजेंटल मोशन देखने के लिए ग्राउंड पे हम क्या लगाएंगे, स्क्रीन. ठीक है, ग्राउंड पे हम क्या लगाएंगे, स्क्रीन, और अब जो लाइट रेज हैं इनको ऊपर से भेजेंगे, ये आपकी लाइट रेज. तो अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है पार्टिकल, इसकी जो शेडो होगी वो ग्राउंड पे कैसा मोशन परफॉर्म करेगी, हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ होगा शेडो भी यहीं होगी, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी शेडो यहाँ होगी, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी शेडो यहाँ होगी, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो शेडो यहाँ होगी अपनी मिड में, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो शेडो यहाँ पहुंच जाएगी, पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा शेडो यहाँ पहुंच जाएगी, पार्टिकल यहाँ होगा शेडो यहाँ होगी. ठीक है, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है और शेडो हॉरिजॉन्टली मूव करती जाएगी. ठीक है, तो इस शेडो का जो मूवमेंट होगा इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. यहाँ पे जो वर्टिकल इस स्क्रीन पे जो शेडो का मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे हम वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये हम फाइंड करेंगे वर्टिकल मोशन की हेल्प से, और जो रेंज फाइंड करेंगे वो हम फाइंड, सिंस रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है,
तो रेंज फाइंड करेंगे हम हॉरिजॉन्टल मोशन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अगर आप देखोगे तो शेडो का मूवमेंट देखना है। तो शेडो यहाँ से स्टार्ट करेगी, इनिशियल कितनी स्पीड होगी शेडो की, तो शेडो के पास जो स्पीड होगी वो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी, तो वो कितनी है, यू साइन थीटा। ठीक है, शेडो के पास जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यू साइन थीटा, और शेडो जाएगी मैक्सिमम हाइट तक और फिर ये वापस वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो जब शेडो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी तो एक मोमेंट के लिए कहाँ आएगी, वो रेस्ट में। ठीक है, एक मोमेंट के लिए कहाँ आएगी, रेस्ट में, और फिर ये वापस नीचे ड्रॉप होगी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है, यू साइन थीटा, फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो, और एसलेशन कितना होगा, जी डाउनवर्ड्स, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर तो यू साइन थीटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस 2 ए एस। ठीक है, अब एसलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, एसलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस प्लस की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, माइनस। ठीक है, तो प्लस 2 ए एस नहीं लिखेंगे, इस यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 2 ए एस। माइनस 2 ए कितना है, जी, और एस कितना है, तो वो मैक्सिमम हाइट है जो वो अटेंड करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे तो एच आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, एच कितना आ गया आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अगर टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर, अगर इस पॉइंट को बोलते हैं ए, ए से लेकर बी तक गया पार्टिकल, और बी से फिर कहाँ आया, सी तक, शेडो। शेडो जो है वो ए से मोशन स्टार्ट किया, बी तक गई है शेडो, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आई और फिर वापस नीचे आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए से लेकर सी तक का डायरेक्ट पूरा मोशन लगाते हैं। ठीक है, टाइम निकालना है ना, पूरे पूरे मोशन का टाइम निकालना है, तो एक तरीका तो ऐसा कर सकते हैं, हम ए से लेकर बी तक का टाइम निकाल लें, उसको डबल कर दें, या फिर हम सीधे ए से लेकर सीधे सी तक जो मोशन है वो लगाते हैं। ठीक है, तो ए टू सी डायरेक्ट लगाते हैं और टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ढंग से देखते जाना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ढंग से देखना आपको, जब ये ए से लेकर बी तक गया है पार्टिकल, सॉरी शेडो, और बी से फिर वापस ये सी पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही क्या हो गया इसका, फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है, तो वो है यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मान लिया कितना है, टी, और एसलेशन माइनस लिखते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि एसलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मूव कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एसलेशन हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा आपका, और उस तरफ बचेगा यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल कर लेते हैं, तो ये जो टी आ गया वो आ गया आपके पास 2u sin θ / g, 2u sin θ / g। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी, 2u sin θ / g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप हॉरिजॉन्टल मोशन से भी फाइंड कर सकते हो और वर्टिकल से भी। ठीक है, क्योंकि टाइम जो लगेगा वो दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वर्टिकल मोशन से फाइंड किया, तो वो हो गया 2u sin θ / g, और मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब अगर हमें फाइंड करनी है रेंज। ठीक है, ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट लिया है उसने, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो एसलेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एसलेशन होता है वो जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एसलेशन नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, एक चीज़ आप न्यूटन सेकंड लॉ समझो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एसलेशन। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स एम जी, इसकी वजह से जी जो एसलेशन आता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसलेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एसलेशन होता है वो कितना होता है, जीरो। एसलेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। एसलेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जरा देखो वेलोसिटी होती कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी होती है वो होती है यू कॉस थीटा।
ठीक है, और एसलेशन जीरो हॉरिजेंटलाइजेशन में, इसका मतलब हॉरिजेंटल मोशन में हमेशा वेलोसिटी कितनी रहेगी, कॉस थीटा, यानी आप पार्टिकल को कभी भी देखो, इस मोमेंट पे देखो, तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा। जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी स्टिल बनी रहती है और वो वही सेम वैल्यू रहेगी, यू कॉस थीटा। जब पार्टिकल नीचे आ रहा होता है तो वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाती है, हॉरिजेंटल अपनी उसी डायरेक्शन में रहती है और वैल्यू भी वही रहती है, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप किसी भी मोमेंट पे देखोगे हर जगह जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपको मिलेगी वो हमेशा कितनी मिलेगी, यू कॉस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है, पहले वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करते करते कितनी हो जाती है, जीरो, और फिर उसके बाद इंक्रीज करती है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब हम कौन सा मोशन देख रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन। तो हॉरिजेंटल मोशन में एसलेशन जीरो, वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ढंग से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हमने बोला रेंज आर, और इनिशियल वेलोसिटी वो है यू कॉस थीटा, इंटू टाइम कितना लगाया पूरे में, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो दूसरा फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एसलेशन कितना है, जीरो, टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना होगा, टाइम होगा टू यू साइन थीटा बाई जी, टाइम कितना हो जाएगा आपका, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये हो गया यू स्क्वायर, और टू साइन थीटा कॉस थीटा ये मिलकर हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना है आपको, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला आया था, एच मैक्स जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या था वो, टू जी। और जो तीसरा फॉर्मूला जो आया था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, तो वो था टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर? तो ये तीन फॉर्मूले हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के, वो आपको एकदम ध्यान रखने हैं, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर? अभी तक हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड किया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, यू की स्पीड से एट एन एंगल थीटा थ्रो किया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे मूव करते हुए ऐसे ग्राउंड पे आके गिरेगा। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, तो जो रेंज का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो फिर वो पूछेंगे किस अगर आपको इनिशियल स्पीड फिक्स है तो किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, यू फिक्स है आपका, जी तो फिक्स होता ही है, तो पूछा है किस एंगल पे फेंकें ताकि रेंज जो आए जो वो मैक्सिमम आए। तो रेंज मैक्सिमम होने का सीधा सा मतलब है कि यू तो आपने फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, इस साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन की जो वैल्यू वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो मैक्सिमम हो सकती है 1, और वो तब होती है जब उसका एंगल कितना हो, 90 डिग्री, यानी टू थीटा कितना होना चाहिए रेंज मैक्सिमम के लिए, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना आना चाहिए आपका, थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री, या फिर पाई बाई 4 डिग्री, पाई बाई 4, सॉरी, पाई बाई 4 रेडियन, या फिर 45 डिग्री। ठीक है, यानी रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको थीटा कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकना पड़ेगा, तो वो जाएगा 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री से फेंकोगे प्रोजेक्टाइल को, तो वो जो रेंज अटेंड करेगा वो मैक्सिमम होगी। कितनी होगी रेंज वो मैक्सिमम, जब वो 45 के एंगल पे आप उसको थ्रो करोगे, तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ये सिंपली हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम जो रेंज होती है वो होती है यू स्क्वायर बाई जी, और किस पर्टिकुलर एंगल पे होती है, तो वो एंगल है आपको 45 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो अभी तक क्या डिस्कस किया, रेंज का फॉर्मूला डिस्कस किया और मैक्सिमम रेंज डिस्कस की, कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब थीटा कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ और डिस्कस करनी है, जैसे मान लिया आपके पास, मैं आपको दो एंगल देता हूँ, एक थीटा दिया मैंने मान लिया 30 डिग्री, एक थीटा 1 कह देता हूँ इसको, और एक कह देता हूँ थीटा 2, वो दिया मान लिया 60 डिग्री, और ऐसे दो एंगल पकड़े हैं जिनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम दोनों एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं सेम स्पीड से, थीटा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं सेम स्पीड से यू, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे भी प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं सेम स्पीड से। तो रेंज कंपेयर करेंगे किसकी रेंज ज़्यादा होगी, किसकी रेंज कम होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस में रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन सिक्सटी अपॉन जी, साइन 60 होता है √3/2, तो R1 आ गया आपका √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गई फर्स्ट केस की रेंज। ठीक है, अब जरा सेकंड केस की रेंज देखते हैं, तो इसमें जो R2 लिखेंगे वो हो जाएगा आपका
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 को कुछ ऐसे लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है, अपॉन जी, ठीक है। तो आर टू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 30 अपॉन जी। कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ये भी कितना आ जाएगा, रूट 3/2 टाइम्स यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर टू भी वही आ गया जो आर वन हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, तो दोनों पे अगर सेम स्पीड से अगर आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि एक आपने फेंका है थीटा पे और दूसरा फेंका है आपने 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। एक है आपका थीटा डिग्री और दूसरा 90 माइनस थीटा डिग्री, तो दोनों पे रेंज क्या होगी, सेम, ठीक है। फर्स्ट केस में भी रेंज आर आएगी और सेकंड केस में भी रेंज क्या आ जाएगी, आर, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम अगर करोगे तो वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई से ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों पर रेंज क्या होगी, सेम, प्रोवाइडेड सेम स्पीड से आपने दोनों पर फेंका है, ठीक है। अगर आप 15 डिग्री पर फेंक रहे हो उसी स्पीड से, उसी स्पीड से 75 डिग्री फेंकोगे तो दोनों पर रेंज क्या आने वाली है, सेम, ठीक है। दोनों पर रेंज क्या आने वाली है, सेम, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। आप 40 डिग्री पर फेंक रहे हो उसी स्पीड से फेंक रहे हो आप 50 डिग्री पे, तो दोनों केसेस में रेंज क्या आने वाली है, सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होने वाला है, 90 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक एंगल थीटा और दूसरा हम एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, और दोनों पे प्रूव करेंगे कि दोनों पे जो रेंज आने 90 माइनस थीटा, दोनों पे जो रेंज आने वाली वो क्या आने वाली, सेम, ठीक है। एक एंगल हम क्या लेंगे, थीटा, और दूसरा एंगल क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। इसमें भी हम यू स्पीड से थ्रो करेंगे और इसमें भी यू स्पीड से थ्रो करेंगे, और दोनों पर रेंज क्या आने वाली है, सेम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में रेंज कितनी आ जाएगी, तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये फर्स्ट केस की रेंज है, और सेकंड केस की रेंज कितनी आने वाली है, तो वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना है, अब थीटा थीटा नहीं रहा है, अब थीटा हो गया आपका 90 माइनस थीटा अपॉन जी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। यू स्क्वायर साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा ही होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा भी कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये वैल्यू वही आ गई जो फर्स्ट केस में रेंज की वैल्यू आई है, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल थीटा पे रेंज फेंको या फिर 90 माइनस थीटा फेंको, दोनों केसेस में रेंज क्या आएगी, सेम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह कुछ ऐसे समझो आप इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एंगल है पाई बाई फोर माइनस थीटा और दूसरा एंगल है पाई बाई फोर प्लस थीटा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों पर रेंज सेम आई है। देखो जरा, एक एंगल मैंने बताया पाई बाई फोर माइनस थीटा, दूसरा एंगल क्या बताया पाई बाई फोर प्लस थीटा, दोनों पर रेंज क्या आने वाली है, सेम, क्योंकि अगर आप दोनों को सम करोगे तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आने वाला है, पाई बाई टू, आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। और हमें पता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री या पाई बाई टू आ जाता है तो उन दोनों एंगल्स पे रेंज क्या होगी, सेम, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है, जो रेंज मैक्सिमम का एंगल है वो है पाई बाई फोर, ठीक है। ये रेंज मैक्सिमम का एंगल है और वो एंगल कितना है आपका, पाई बाई फोर फेंकोगे तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। तो पाई बाई फोर माइनस थीटा और पाई बाई फोर प्लस थीटा, यानी पाई बाई फोर से थीटा नीचे या पाई बाई फोर से थीटा ऊपर, दोनों केसेस में रेंज क्या आती है, सेम। पाई बाई फोर से थीटा नीचे आओगे तो भी रेंज वही मिलेगी जो पाई बाई फोर से थीटा ऊपर जाने पर मिलेगी, और पाई बाई फोर पर रेंज क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो पाई बाई फोर से 10 डिग्री नीचे आ जाओ और पाई बाई फोर से 10 डिग्री ऊपर चले जाओ, दोनों केसेस में रेंज क्या मिलेगी, सेम। पाई बाई फोर से 15 डिग्री नीचे आ जाओ, पाई बाई फोर से 15 डिग्री ऊपर चले जाओ, दोनों में रेंज क्या मिलेगी, सेम, ठीक है। तो ये एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या फाइंड करना है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको बोला एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको बोला वाई एक्सिस, और ओरिजिन से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है एट एन एंगल थीटा और विद स्पीड यू, ठीक है। यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, और ये जिस पाथ पर मूव कर रहा है वो पैराबोलिक शेप होती है, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है कि इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, और फिर ये प्रूव करना है कि उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट जो मोशन हुआ है वो ओरिजिन से हुआ है 0,0 से, और मान लिया अगर आपने इसको टी टाइम दिया, कोई स्मॉल टाइम टी दिया इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो मान लिया वो कहीं यहाँ तक आ गया, ठीक है, पार्टिकल यहाँ मिल गया, पहुँच गया, ठीक
ठीक है, इस पॉइंट पे जो उसका इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई में हमें रिलेशन फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा एक्स, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा वाई। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखें इसका, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो होती है यू कॉस थीटा, पहले भी कर चुके हैं इसको। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो होती है यू साइन थीटा। इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हैं, वर्टिकल होती है यू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट सीधा हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है आपकी यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना लगाया उसको टी। तो अगर टाइम अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये मिल जाएगी इक्वेशन आपके पास एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है टी टाइम में, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट तक पहुंचा है, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है वाई। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो जब वर्टिकल मोशन देखेंगे तो इक्वेशन लगा रहे हैं हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, सिंस वर्टिकल मोशन में लगा रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू यू। यू कितना है, तो यू जो है वर्टिकल मोशन की जो इनिशियल स्पीड है वो यू साइन थीटा है। ठीक है, यू क्या होती है, इनिशियल स्पीड। सिंस वर्टिकल मोशन देख रहे हैं तो वर्टिकल मोशन की जो इनिशियल स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है आपकी, यू साइन थीटा इंटू टाइम मान लिया टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी डाउनवर्ड होगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आपको इक्वेशन चाहिए पाथ की, तो इक्वेशन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है एक्स कॉमा वाई में, जो रिलेशन इस उस पाथ पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। फिर से समझो, इक्वेशन जो फाइंड करनी, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई में एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन इस जो पाथ पे, इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सब पॉइंट्स को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है तो बहुत आसान है। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन से हमने टी निकाला हुआ है, तो टी इक्वल टू कितना है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इस टी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो टी की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं। टी कितना है आपका, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। जो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस कितना है हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एक वाई और एक्स में रिलेशन है, वाई इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टाइम्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में। ये जो रिलेशन है यही होगी इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जो पाथ वो पार्टिकल फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसमें गौर से देखो, वाई जो है वो लीनियर है और एक्स क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एक्स में यहाँ कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो वाई लीनियर एक्स क्वाड्रेटिक है। तो जब भी मोशन, जब भी इक्वेशन में एक टर्म एक्स या वाई में से एक टर्म लीनियर होता है, दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक होता है, तो जो जो इक्वेशन होती है उसकी जो शेप होती है, जो पाथ की शेप होगी वो हो जाएगी पैराबोला। ठीक है, तो वो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, शेप क्या होगी इसकी, पैराबोलिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों टर्म लीनियर होते हैं, एक्स और वाई दोनों टर्म लीनियर होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, जब दोनों टर्म क्वाड्रेटिक होते हैं और उनका कोफिशियंट सेम होता है, एक्स वाई का टर्म जीरो होता है तो वो सर्कल होता है, और जब एक टर्म लीनियर होता है दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक होता है तो वो जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये जो पाथ होगा वो कैसा होगा आपका, पैराबोलिक। क्लियर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और टाइप पढ़ते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसमें क्या था, पार्टिकल ग्राउंड के एक पॉइंट से उठता था, वो वापस ग्राउंड पे जाके हिट हो जाता था। ठीक है, ग्राउंड से हम उसको प्रोजेक्ट करते थे और वापस ग्राउंड पे जाके वो हिट हो जाता था, मोशन एंड हो जाता था। इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल कुछ हाइट, कुछ कोई क्लिफ, कोई बिल्डिंग, कोई टावर से फेंका जाएगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यानी जब इसको इनिशियली थ्रो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, कितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, यू से, और कितनी हाइट से थ्रो किया गया, तो ये जो क्लिफ या बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी दी, वो कैपिटल एच। ठीक है, तो ये जाके कहीं ना कहीं ऐसे जाके ग्राउंड पर हिट करेगा,
तो एक तो आपको इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, और दूसरा ये फाइंड करना है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यानी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है कितना होना है, कैपिटल एच। ठीक है, तो टाइम के लिए हम वर्टिकल मोशन देखते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अगर आप देखोगे इसमें, और तो वर्टिकल मोशन अगर आप देखो तो इसकी शेडो अगर देखो तो शेडो यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे जाके मोशन खत्म कर देगी। ठीक है, लाइट हम इधर से थ्रो कर रहे होंगे ऐसे, तो इसका जो जो शेडो का मूवमेंट होगा वो यहाँ से गिरेगी शेडो और यहाँ पे जाके मोशन इसका एंड हो जाएगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है उसने, एच। ठीक है, ऐसा करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी जो भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मान ली, पॉजिटिव। तो यानी जो भी चीज़ें आपकी, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगे वो सारे सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इक्वेशन वर्टिकल मोशन में लगा रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल वो कितना नीचे आया है, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, एच। ठीक है, वैसे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो जब वो यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, ये तो उसका क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन ही हमने क्या मानी, पॉजिटिव। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू। यू कितना है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है, तो अगर आप एक चीज़ बताओ, इनिशियली अगर आप देखोगे तो उसको जो भी स्पीड प्रोवाइड की गई है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड की गई, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो, कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल जो स्पीड है उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी वर्टिकल मोशन में, इनिशियल स्पीड जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, जी इंटू टाइम कितना है, टी स्क्वायर। प्लस जी इसलिए लिखा है क्योंकि जी भी कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव। तो जी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा टू एच बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है, अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, अब अगर रेंज फाइंड करनी, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में पता है आपको एसलेशन जीरो होता है, तो जब एसलेशन जीरो होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो सीधे होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एसलेशन होता है पार्टिकल का वो जीरो होता है, और जब पार्टिकल का एसलेशन जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे गया है, तो हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है आर। आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, यू इंटू टाइम कितना लगा है, कैपिटल टी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, यू, और हमेशा कितनी रहेगी, यू। किसी मोमेंट पे देखोगे एक पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो टाइम के साथ इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, यू। यहाँ भी कितना होगा, यू। यहाँ भी कितना होगा, यू। जब भी हिट करने वाला होगा उस मोमेंट पे भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्टिल कितना रहेगा, यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर, वेलोसिटी कितनी है, यू, टाइम कितना है, टाइम हमने अभी फाइंड किया, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो रेंज हो जाती है वो जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम अंडर रूट टू एच अपॉन जी। क्लियर, तो ये रेंज का फॉर्मूला जाएगा। क्लियर, इसमें एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि जब वो फाइनली हिट करेगा तो कितनी स्पीड से हिट करेगा। ठीक है, तो जब वो हिट करेगा तो उसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं, वो तो यू ही रहेगी, लेकिन एक एडिशनल वर्टिकल स्पीड भी आ जाएगी, तो वो मान लिया कितना है, वी वाई। वर्टिकल स्पीड को मैंने क्या कह दिया, वी वाई। तो जो फाइनल स्पीड होगी तो वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, कहीं इस डायरेक्शन में होगी वो। तो जो फाइनल स्पीड आने वाली है, फाइनल स्पीड तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी वाई कैसे फाइंड करना, तो वो हम लेंगे वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में हम इक्वेशन लगा रहे हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वर्टिकल मोशन की जो फाइनल स्पीड है तो उसको क्या नाम दिया हमने, वी वाई। वर्टिकल मोशन की जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है, वी वाई। इनिशियल स्पीड वर्टिकल मोशन में क्या थी, जीरो। इनिशियली जो स्पीड दी गई है उसको प्रोवाइड की गई है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है। वर्टिकल डायरेक्शन कितनी स्पीड है, जीरो। प्लस एसलेशन कितना है, तो एसलेशन प्लस जी होगा। प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस जी। और टाइम, टाइम अभी हमने फाइंड किया था, टाइम कितना आया था, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो जो वी वाई आएगी वर्टिकल स्पीड, तो जी से जी अगर कैंसिल करेंगे तो सिंपली आ जाएगा अंडर रूट टू जी एच, ये हो जाएगी वर्टिकल स्पीड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर स्पीड पूछा जाएगा फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो वो जाएगी अंडर रूट ऑफ हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो वर्टिकल का स्क्वायर अगर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, टू जी एच। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर
यू की स्पीड से अगर आप एच हाइट से फेंक रहे हो तो जो फाइनल स्पीड होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला हर जगह लगता है। आप ऐसे समझो, मान लिया एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट एच है, ठीक है। तो आप ढंग से समझना, अगर आप इसमें इसको आप यू स्पीड से फेंक रहे हो, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंक रहे हो, कई सारे ऑप्शन इधर भी फेंक सकते हो आप, इधर भी फेंक सकते हो, ऐसे भी फेंक सकते हो, हॉरिजेंटली भी, नीचे की तरफ भी, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंको। जब ये सारे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आके हिट करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे आके, तो जब ये ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे, ठीक है, तो इनके पास जो फाइनल स्पीड आएगी, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इनके पास जो फाइनल स्पीड आएगी, तो अगर आपने यू यू इनिशियल स्पीड से फेंका है तो जो फाइनल स्पीड होगी वो डेफिनेटली आएगी यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या होगी, उस बिल्डिंग की हाइट। क्लियर।